नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @StudyForCivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं जैसे कि RO, ARO या फिर APS, ठीक है, इन सब के लिए हमारा जो पेड क्विज है उसको हम वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे देख रहे थे। लगातार आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। वैकेंसीज जो है जल्दी अनाउंस होने की संभावना है, ठीक है, तो आप लोग तैयारी अभी से करते रहेंगे तो वो ठीक रहेगा क्योंकि एंड टाइम पे तैयारी आपकी हो नहीं पाती है। इसी क्रम में हमारे पेड ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लगातार फुल पेड ग्रुप्स। इसके अलावा पेड क्विज या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, करंट अफेयर्स के ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स है उस पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर इस वीडियो के स्टार्टिंग का जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी 3 नंबर बताए जाएंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और इस सीरीज को आप फॉलो करें अपने एग्जामिनेशन तक, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। पिछले ईयर्स के जो रिजल्ट हैं उसमें भी ये चीज़ें देखी गई हैं। आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में भी जाकर के इनके सैम्पल्स या फिर जो प्रूफ्स हैं पिछले एग्जामिनेशन के वो हमने डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करेंगे अपने आज की वीडियो को और फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश जो है यहाँ पे पूछा गया है। इंग्लिश का एक क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस हमारे पास है और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस हमारा है द एनिमी विल हैव सीज्ड द फोर्ट बिफोर मिडनाइट, सॉरी नाइटफॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट का ये टेंस है, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि हम जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो अब क्या होगा इसमें, जो ये फोर्ट है ये हमारा कन्वर्ट होकर सब्जेक्ट बन जाएगा और एनिमी जो है ना वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम और बाकी इसमें जो है ऐड क्या करेंगे, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम देखेंगे तो द फोर्ट विल हैव बीन सीज्ड बाय द एनिमी बिफोर नाइटफॉल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड हमारा है नोटोरियस, ठीक है, तो इसका मतलब हिंदी में होता है कुख्यात। कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो गलत है उसके लिए फेमस है ना। जैसे कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक। तो इसके ऑपोजिट में हम फेमस वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना, कोई फेमस हो तो वो पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, एक स्पेलिंग करेक्ट करना है यानी कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, ठीक है। वर्ड हमारा है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव करना, ठीक है। तो स्पेलिंग करेक्ट होती है ऑप्शन फर्स्ट में जो दी हुई है। अब हमारे पास एक सेंटेंस फिर से है, इम्प्रूव द कोटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये यहाँ से लेकर के जो ये वाला हिस्सा है कोटेड उसको इम्प्रूव करना है हमें। तो क्या है, दो मेनी यूरोपियन ट्रेडर्स विजिट पुडुचेरी इन द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, व्हाट रिमेन्स टुडे इज अ रेलिक ऑफ इट्स फ्रेंच पास्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनवर्ड्स यानी कि ऐसा डेटा, मतलब सेंटेंस में कहा गया है कि हिस्टोरिकल कोई चीज़ है ना जो टिल डेट हम कह सकते हैं अब तक चली आ रही है ना। तो इस रेफरेंस में यहाँ पे जो इन द हम कह रहे हैं ये मतलब ये इन्होंने लिखा हुआ है तो ये गलत कर रहा है इस स्टेटमेंट को। हम इसमें यूज़ करेंगे यहाँ पे ट्रेडर्स विजिटेड पुडुचेरी फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो इससे इम्प्रूव हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो वर्ड हमारा है सेक्रेड, इसका मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो अपवित्र हो जाएगा इसका विलोम, वो क्या होता है प्रोफेन, ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द कोटेड idiom इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, है ना। ये जैसे भारत के देश पे ये बात लागू भी होती है कि मैक्सिमम जनसंख्या आप देखेंगे तो सिर्फ हैंड टू माउथ ही है ना उसका जीवन स्तर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो वो कमा रहे हैं वो उतना ही है ना, उससे ज़्यादा कहीं कह लीजिए वो खर्च कर ले रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज अर्नड, इसको हम यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे दिहाड़ी मजदूर है ना, तो जितना कमा रहा है उतना ही कंज्यूम कर ले रहा है, बच ही नहीं रहा उसको कुछ।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द कोटेड idiom. फिर से देखिए यहाँ पे कट टू द क्विक सेंटेंस में लिखा है ना, द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक वेन ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. ठीक है, कट टू द क्विक का मतलब होता है टू हर्ट समवन्स फीलिंग, है ना. तो यहाँ पे सी को चुन लेंगे, है ना. इसमें अगर हम सेंटेंस के हिसाब से देखें तो हर्ट इंटेंसली, एक सेंटेंस फिर से है, ग्रामेटिकल एरर इसमें देखें आइडेंटिफाई करना है. मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड. यहाँ पे देखिए वन जो है हमारा क्या है, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन के रूप में है, तो इसके हिसाब से वर्ब यहाँ पे प्लूरल है ये, है ना, ये गलत कर रहा है इसको, यहाँ पे इसको यूज करेंगे हम. ठीक है, तो ये सेंटेंस होना चाहिए ये मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन इज नॉट रिजिड. अगला सेंटेंस है एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसका चूज करना है हमें. तो शी को चेंज करेंगे उस हिसाब से क्या होगा, वी सॉ हर सिटिंग इन द लास्ट रो, है ना, ये सही होगा. नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. वन वर्ड इसको चूज करना है हमें, क्या है, वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर का एक तरीके से कह लीजिए विरोधी कह सकते हैं, है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है ये फिलिस्टाइन, ऑप्शन डी. ठीक है, उसका मतलब हिंदी में हम समझ सकते हैं जैसे संकुचित विचार वाला, है ना, या फिर अशिक्षित मनुष्य ऐसे कह सकते हैं. अब कुछ जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, दो स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलत. उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विदेध माधव की कथा में मिलता है. ठीक है, ऋग्वेद काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलते हैं, उस रेफरेंस में यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. शतपथ ब्राह्मण स्पेशली इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा आप लोग भी. सेकंड स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में 32 नदियों का उल्लेख मिलता है, ये गलत है, 21 नदियों का उल्लेख है, तो सिर्फ पहला सही है. अगला क्वेश्चन है भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है. देखिए प्राचीन इतिहास के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हला आजकल तो ये चीज़ें उतनी मतलब मानते नहीं लोग, इक्वलिटी वगैरह थोड़ी जैसे हर चीज़ में देखने की कोशिश या उसको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कास्ट सिस्टम. तो क्या है कि वर्ण व्यवस्था, है ना, आप जानते हैं, तो उसमें क्या है, लोगों के कार्यों को विभाजित किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. ठीक है, तो उस हिसाब से, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर को हम इसमें चूज कर सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की ये विशेषता है. नेक्स्ट है सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया. तो पंजाब, साउदर्न पंजाब कह लीजिए, वहाँ पे भरत करके एरिया के किंग थे सुदास, इनके विरुद्ध ये ऋग्वैदिक पीरियड का युद्ध है, विश्वामित्र के नेतृत्व में 10 राजाओं ने लड़ा. ऑप्शन पहला जो है, हिस्ट्री का एक और फेमस क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, वही पूछा गया है, 1901 में पब्लिश हुई थी. तो इसमें सबसे फेमस जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है, है ना, उसको बताया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा. सती प्रथा को इसमें से किसकी गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था, तो राजा राममोहन रॉय वगैरह का नाम काफी इसमें आता है, उनके कई सारे प्रयास रहे और उसी के चलते 1828 के अराउंड लॉ बना करके उसको बैन किया गया था, सती प्रथा को. तो इस टाइम पे कौन है, विलियम बेंटिक. संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है. देखिए पहला भाग जो हमारे संविधान का है उसका नाम ही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 1 से 4 के मध्य प्रावधान है अलग अलग. अब देखिए कहा गया है कि नए राज्य बनाने का अधिकार, तो बेसिकली ये आर्टिकल 2 में भी एक प्रावधान है और 3 में भी, दोनों के माध्यम से नए राज्य बनाए जा सकते हैं. तो यहाँ पे आप एक काम करिएगा, इन चारों आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, तो चारों क्लियर हो जाएंगे. संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है. प्रीएम्बल आपको देखिए वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, कई सारे क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ प्रीएम्बल याद है तो वहाँ से सही हो जाएगा. ठीक है, अब क्या है कि सेकंड पैरा में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जैसे जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, है ना, फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों की बात की गई है. तो अब फ्रीडम की बात करें या लिबर्टी की, तो हमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, फ्रीडम ऑफ थाट, ठीक है, बिलीफ, ठीक है, ये भी है, है ना, एक्सप्रेशन भी है, ठीक है, इसके अलावा फेथ,
है ना, और वर्शिप, है ना, ये पांच प्रकार की फ्रीडम्स हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम का मेंशन प्रीएम्बल में नहीं है, प्रीएम्बल में ही दो वर्ड ऐड किए गए थे, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष, है ना, सेकुलर सोशलिस्ट, और एक और वर्ड था इंटेग्रिटी। इनको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो पार्ट 4A ऐड किया गया था, आर्टिकल 51A। इसके अंतर्गत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पास, तो जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट में, और इसको हमने कह लीजिए इंस्पायर होकर के लिया था कहाँ से, अर्स्टवाइल USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, का प्रस्ताव किसने रखा, तो ये जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन फर्स्ट। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे, इसमें से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी जो है यमुना का होता है, ठीक है। अब हमें सही वर्तन ही देखना है, अवनति ही सही है पहला, ठीक है, अन्य विकल्प गलत है, मुश्किल है ना, और श्रृंगार में ना ये नहीं होता, जो ये लगाते हैं ना हम लोग, ये चीज नहीं है, ठीक, श्रृंगार ऐसे लिख देंगे, और मातृभूमि में छोटी ई की मात्रा लगेगी, ठीक। अगला है समूहार्थक शब्द, यानी कि जो कलेक्टिव रूप से किसी चीज को है ना दर्शा रहा हो, तो समूह में क्या होती है, भीड़ ही होती है ना, हर तरह के लोग खड़े होते हैं वहां। अगला है आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना, तो अंश, तो एक प्रत्यय, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करना है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, इस तरीके से, तो पुलिस के द्वारा, है ना, हाँ यहाँ पे देखिए पूरा सेंटेंस लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है, एक वर्ष के दौरान देश भर में जितना भी हमने उत्पादन किया है ना, उसके रेफरेंस में हम जानते हैं जीडीपी को। अब इसकी परिभाषा काफी व्यापक है, इसको पढ़ सकते हैं आप अलग से। अब इन विकल्पों में देखें तो सेल ऑफ फाइनल गुड्स है ना, इसको इंक्लूड करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए जो कानून के द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया, तो ये देखिए चूंकि ब्रिटिशर्स थे तो मोस्टली काम इंग्लिश में होता था, तो इस वजह से इंग्लिश आगे भी यूज होती रही ऑफिशियल पर्पजेस के लिए। तो यहाँ पे 1965 ऑनवर्ड्स भी बाय लॉ इस चीज का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, आर्टिकल 343 सब क्लॉज 3 में। अगला है जनसंख्या भूगोल, इसमें से किस सब्जेक्ट की एक शाखा है, तो ज्योग्राफी काफी वाइड है, कई सारे भागों में पढ़ी जाती है, तो जनसंख्या वाला कॉन्सेप्ट हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। नाबार्ड का विस्तृत रूप बताना है हमें, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, ठीक है, और इसकी स्थापना पूछी जाती है अक्सर 1982, इसको भी ध्यान रखेंगे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद का विद्वान रहता था, कोर्ट फिजिशियन थे कनिष्क के, ये चरक, ठीक है, ऑप्शन सी। हिंदी का क्वेश्चन एक फिर से है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक तरीके से मिलते जुलते हैं और कभी कभी गलत हो जाते हैं। देखिए इंद्र की अगर हम बात करें तो इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले को इंद्रजीत कहा जाएगा, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन फेमस पूछा जाता है कि जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है कि जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा न हो सके तो उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं, ठीक, और जो है जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसके लिए अगोचर शब्द यूज करते हैं, ठीक। उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो उसको कुलीन बोलते हैं, ऑप्शन डी। सेंटेंस एक है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, तो ये जो है इच्छा व्यक्त करने वाला एक स्टेटमेंट है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा।
श्री गणेश का विलोम बताना है। ठीक है, किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए हम श्री गणेश शब्द का यूज करते हैं, तो जब वो समाप्त हो जाए तो उसके लिए इति श्री वर्ड यूज किया जाता है, तो यही इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है फूल का पर्यायवाची, इसमें से क्या नहीं है। ठीक है, पुष्प, सुमन, कुसुम, ये सब वर्ड हो जाएंगे। तनुजा नहीं होगा, तनुजा किसका होता है, ये पुत्री का। ठीक है, जैसे तनुजा, तनया, आत्मजा, नंदिनी, ये सब शब्द होते हैं। नेक्स्ट है तारीख है फिरोजशाही पुस्तक के लेखक, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है उसकी हिस्ट्री बुक है ना, ये एक इंडो पर्शियन बुक कह सकते हैं इसे। ठीक है, और लेखक का नाम है जियाउद्दीन बर्नी। 1857 की क्रांति में कई सारे लोग शामिल रहे अलग अलग जगह से, और उसी क्रम में तात्या टोपे है ना, जो कि एक प्रमुख इसके लीडर थे, उनको इसी विद्रोह के चलते 1859 में फांसी दी गई थी, तो वो स्थल पूछा गया है। ठीक है, तो रामचंद्र पांडुरंग, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को सीपरी में। ठीक है, सीपरी यानी कि वर्तमान में इसका नाम है शिवपुरी। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है, नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे अर्थ का है मून, तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 27% है ना, तो इसको हम एक क्वार्टर मान सकते हैं, 1/4। ठीक, नेक्स्ट है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे माउंटेनियस पासेस कई सारे हैं, जिसको मैप पे लोकेट करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे और ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, उसी क्रम में से एक है रोहतांग पास, ये हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन फर्स्ट। नेशनल टूरिज्म डे 2024 का मनाया गया अभी हाल ही में, तो थीम यहाँ पर दी हुई है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज, थीम को भी ध्यान रखना है, और ये ऑब्जर्व किया गया 25 जनवरी को। नेक्स्ट इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये थीम है किसका, नेशनल वोटर्स डे 2024 का, है ना, ध्यान रखेंगे इलेक्शन ईयर भी है तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये पूछे जाने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है ये भी 25 जनवरी को ही, 2024 की थीम है ये, इसको ध्यान रखेंगे, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोटेड फॉर श्योर। जनवरी 2024 में किस संस्थान ने युवा संगम चरण 3 इसकी मेजबानी की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो भारत का है, इसका एक प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत जो यूथ है ना, उनके बीच में जो टाइज है ना, अलग अलग देश के हिस्से के जो युवा है ना, उनके लिए प्रोग्राम जो है चलता है, तो उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम युवा संगम का तीसरा चरण आयोजित हुआ अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के किस शहर में AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है, तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। ठीक है, तो इसका एक सैटेलाइट सेंटर कानपुर में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, किस राज्य में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी, अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है कि जो है ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पे ये इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी से अर्थ ये है कि जो हमारे ये होते हैं ना आपका ब्लैक टाइगर्स, ठीक है, उनको ही कहा जाता है, तो उनके ही स्पेशलाइजेशन वाला ये जो है टाइगर सफारी डेवलप किया जाएगा टूरिज्म के जो चीज़ें इन सबको बढ़ावा देने के लिए। किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो कैमरून में ये स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन फर्स्ट। आप जरा हमको ये बताएंगे ये किस कॉन्टिनेंट में है। एक पुस्तक प्रकाशित हुई है हाल ही में एंगर मैनेजमेंट, ठीक है, इसके राइटर का नाम बताना है अजय बिसारिया। ठीक, नेक्स्ट है 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के मध्य भारत और किस देश की सेना के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, है ना, और ये हुआ था अनहास में। ठीक है, अनहास कहाँ पे है, इजिप्ट। ठीक, नेक्स्ट है भारत का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। ठीक है, दो कंपनीज एयरबस और टाटा ये मिल करके स्थापित करेंगे, तो लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो ये वडोदरा में किया जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश फोरम का जो है एक स्टार्ट किया गया है। तो बेसिकली इसमें तीन जो है इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, नीति आयोग और भारत का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है। तो तीनों के द्वारा सामूहिक रूप से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक। यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शंस। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके भी बताएंगे आप। पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, आप एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके आगे की वीडियोज़ को हम अगले जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।